गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन इंग्लिश वीडियो क्लास। आज से हम स्टार्ट करेंगे FA2 रिवीजन असाइनमेंट, जिसमें एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट जो है आपको रिवीजन में कराया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको लाइव क्लास में अपोजिट वर्ड सिखाए थे, तो ये कुछ अपोजिट वर्ड्स हैं रिवीजन असाइनमेंट में जो आपको करने हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको पहले अपोजिट वर्ड कराऊंगी, वर्ड मीनिंग्स आपको ये करने हैं असाइनमेंट में, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। चलिए वन बाय वन जो आपको मैंने पहले कराए हुए हैं कॉपी में उनको रिवाइज करते हैं। जैसे कि वर्ड मीनिंग, चैप्टर वन में आपको ये वर्ड मीनिंग कराए गए थे, इनको रिवाइज करते हैं। बिलोड माने होता है बुल की तरह तेज आवाज करना, रंबलिंग जो लगातार शोर होता है, जैसे कि जो ड्रैगन था वह कर रहा था लगातार शोर, तो उसको रंबलिंग, उसके साउंड को रंबलिंग कहा गया है। ए टेंट्रम गलत व्यवहार करना, बेल्टिंग आउट तेज गाना, तेज आवाज में जब गाया जाता है तो उसको बेल्टिंग आउट बोला जाता है। ऑलमोस्ट लीक बिल्कुल पास, थ्रीविंग अच्छे से बढ़ना, मैस्कोट होता है चिन्ह या फिर सिंबल किसी चीज का, थम्पिंग तेजी से हिलाना, एनॉर्मस बहुत बड़ा, सडनली अचानक, नॉइज शोर, फियर्स भयानक। इसी तरीके से चैप्टर टू में आपको वर्ड मीनिंग कराए गए थे, इनको भी रिवाइज करें। लेजी का मतलब होता है आलसी, कोर्टयार्ड आंगन, ड्रामा नाटक, एग्जॉस्टेड बहुत थका हुआ, रिलैक्सेशन आराम, असिस्ट सहायता करना, स्लोथफुल आलस से भरा, पोक किसी नुकीली चीज से चुभोना, ब्लिंक आइस आंखें टिमटिमाना, रिलीज छोड़ देना, अंडरस्टैंड समझना, एक्सप्लेन विस्तार से समझना समझाया, चिकन होता है मुर्गा एंड मिस्टेक होती है गलती। तो ये वर्ड मीनिंग हमने अभी रिवाइज करे, तो इनको इनके बेस पे आपको जो ये वर्ड मीनिंग वाला पार्ट है रिवीजन असाइनमेंट का, वर्ड मीनिंग असिस्ट, असिस्ट का मीनिंग यहाँ पर लिखना है, असिस्ट का मीनिंग होता है सहायता करना, तो एक वर्ड में एक वर्ड का मीनिंग लिख दिया है। इसी तरह मैंने अभी आपको पढ़ाया स्लोथफुल आलसी, तो ये अभी जो मैंने रिवाइज कराए हैं उसी को दोबारा से आप पैक करके ये इनके मीनिंग इनके सामने लिखेंगे। अब करते हैं अपोजिट वर्ड्स। ये अपोजिट वर्ड्स आपको कराए थे मैंने, जिन बच्चों की कॉपी में नहीं हो रहे हैं वो कर लेंगे इनको। अबोर घृणा करना, लाइक पसंद करना, अबव ऊपर, बिलो नीचे, बिगिन आरंभ करना, एंड समाप्त करना, ब्राइट चमकीला, डल भद्दा, बेनिफिट लाभ, लॉस हानि, कौंसिल छिपाना, रिवील प्रकट करना, चीयरफुल प्रसन्न, चीयरलेस दुखी, डेड मरा हुआ, अलाइव जीवित, डिफेंसिव रक्षात्मक, ऑफेंसिव आक्रमणात्मक, डीप गहरा, शैलो उथला, एनकरेज किसी का साहस बढ़ाना, डिस्करेज साहस ना बढ़ाना या फिर निरुत्साहित करना, फेथफुल वफादार या ईमानदार, अनफेथफुल गद्दार या फिर धोखेबाज भी कहा जा सकता है, फ्री मुक्त करना किसी को, एनस्लेव किसी को गुलाम बनाना कैद कर लेना, गो जाना कम आना। तो ये अपोजिट वर्ड हमने पढ़े, इन्हीं अपोजिट वर्ड को मैंने आपको असाइनमेंट में दिया है। ये देख रहे हो अपोजिट वर्ड, तो ब्राइट, ब्राइट का अपोजिट क्या होता है डल, बेनिफिट का लॉस, काउंसिल इसी तरीके से आगे आप खुद करेंगे, अभी मैंने आपको रिवाइज कराया। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ना है। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको मैंने कॉपी में भी कराई थी, ये कुछ देख रहे हो, जैसे फाइंड फाउंड फाउंड, मैंने
यहाँ पर आपको असाइनमेंट में दिया फाइंड, तो फाइंड का हो जाएगा फाउंड, फाउंड। ओके, तो इस तरीके से आपको वर्ब्स करनी है। वर्ब वाले चैप्टर में है ग्रामर में, वहां से आप ढूंढेंगे और ये जो सभी वर्ब्स हैं इनको कंप्लीट करेंगे। ओके, सिंक, सैंग, संग, सैट, सैट, सैट। ये सिंक दो दो बार आ गया, कोई बात नहीं, आप रिवाइज करके दोबारा से लिख लेना। लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट, अबाइड, अबाउट, अबाउट, फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगेटन। तो आज का आपका ये असाइनमेंट है, ये वर्क है, होमवर्क, कि आपको ये सभी पूरा करना है और अच्छे से लर्न करना है एग्जाम के लिए। ओके, तो यहां तक आप आज कंप्लीट करेंगे वर्क। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।